अन्नपुरा सिंचाई परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें सबसे लंबी दबाव वाली पाइपलाइन की अंडरग्राउंड नहर से 1,35,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। यह परियोजना 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। इस वर्ष के पहले चरण में कालीपीठ क्षेत्र में 25 हेक्टेयर चट्टानी भूमि सिंचित की गई है। देश अन्य इलाकों में अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का काम चल रहा है। नवाज नदी पर मोहनपुरा बांध से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 3,800 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह देश की पहली लंबी पाइपलाइन है जो दबाव से खेतों की सिंचाई करेगी। इसे खोलने और प्रवाह के लिए बांध में पर्याप्त पानी नहीं है। समुद्र तल से 354 मीटर की ऊंचाई पर बने डैम में वर्तमान में 366 मीटर तक पानी है, जबकि बांध में 17 मुख्य द्वार हैं, जो बांध के तल से 23 मीटर ऊपर हैं। वर्तमान में बांध का पानी भी इन द्वारों से 11 मीटर नीचे है। इस कारण से पर्यावरण गेट को रिलीज के लिए खोला जाएगा जो जल स्तर के भीतर है। दबाव वाली पाइपलाइन द्वारा मध्य प्रदेश में दबाव वाली पाइपलाइन के साथ सिंचाई का पहला उपयोग मोहनपुरा बांध से ही किया जाएगा। पहले उपयोग के रूप में नहरों के रूप में एक पूरी तरह से दबाव वाली पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया गया है। मोहनपुरा बांध के बाद गरोड़ के गांधी सागर बांध से संभवतः दूसरे नंबर पर पानी की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में मोहनपुरा परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। की लागत से निर्मित यह परियोजना 3,800 करोड़ जिले के एक बड़े हिस्से की सिंचाई करेगा। खास बात यह है कि यह बांध राजगढ़, भियोरा, खिलचीपुर और नरसिंहगढ़ के कुछ क्षेत्रों को सिंचित करेगा। तंवरवाड़ को राजगढ़ तहसील के सबसे बड़े हिस्से के रूप में सिंचित होने के कारण इस जगह के किसानों का निवास होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी के कारण फसलें नहीं उगती है। इस बांध से फसलों के बेहतर उत्पादन के कारण फसलों को लहराया जाएगा।